गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आर्यस सर, स्टर्लिंग स्कूल बरावा। आज मैं क्लास सेवन्थ के चैप्टर से, सब्जेक्ट मैथ से, फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इकाई के टुकड़े को हम फ्रैक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ यूनिट, किसी भी यूनिट को, किसी भी नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं, उसको शेयर में बांटते हैं, तो हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपका वन ब्रेड है, इसको हम टू पार्ट में इक्वल पार्ट कर देते हैं, तो इसको एक का जो शेयर होगा 1.2 हो जाएगा। इस तरह से जब ए यूनिट था, वन ब्रेड को हमने दो शेयर में बांट दिया और इक्वल पार्ट हुआ, 1/2 हो गया। इसी तरह से हम इसको फोर इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक शेयर जो होगा 1/4 हो जाएगा। तो इन पार्ट्स ऑफ यूनिट को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x/y। ये होता है आपका न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। x को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शंस है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4, 7/15, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4, 7/15। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 3/2, 7/3 डन। यदि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसी पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3, 5/2/5, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये आपका जो है होल नंबर है, टू होल नंबर है, और ये आपका 1/3, 2/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। Like fractions, if fractions are denominator are same, is called like fraction। यदि फ्रैक्शन, कई फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5,
थ्री अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। पांचवा है अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस हैव डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, फ्रैक्शंस है आर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यदि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन फाइव, थ्री अपॉन सेवन। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका भिन्न भिन्न है, इसलिए अलग अलग है, इसलिए हम इसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपका इसमें हम अगले क्लास में आपको फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।